सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एट माय चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इस गाड़ी की जो कि है टोयोटा इनोवा। ये बहुत फेमस गाड़ी है टोयोटा की जो काफ़ी सेल हुई थी और अभी भी करंटली काफ़ी फेमस है ये। अब इसका एक नया वेरिएंट आ गया है जो कि है इनोवा क्रिस्टा। ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये है सेकेंड जनरेशन मॉडल जो कि लॉन्च हुआ था 2012 में। तो और ये गाड़ी भी 2012 की है। ये जी वेरिएंट है, एक मॉडल नीचे है ये टॉप मॉडल से। एक वी मॉडल भी आता था, मतलब तीन वेरिएंट्स के लाइनअप में आती थी ये गाड़ी उस टाइम। तो ये आप टॉप से एक नीचे मॉडल है ये वाला। लगभग 75,000 किलोमीटर्स इस कार ने अभी तक कर लिए हैं। तो आज इस वीडियो में इस गाड़ी का बेसिक एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि मतलब क्यों इतनी फेमस थी ये कार और अभी भी जो करंटली इसकी सेकेंड हैंड मार्केट में इतनी डिमांड क्यों है, क्यों इस गाड़ी को प्राइवेट सेक्टर में भी और टैक्सी सेगमेंट में भी इतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आज सारी इसी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे की की। इस तरीके की कुछ की मिलती है इसके साथ, दो कीज़ आती हैं ऐसी और एक नॉर्मल मैनुअल की आती है विदाउट रिमोट। इसमें सिंपल कोई ज़्यादा फंक्शन है नहीं, सिंपल एक की है, लॉक का बटन है इधर और एक अनलॉक का बटन है, सिंपल। और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं किस की में। तो स्टार्ट करते हैं पहले, इंजन बेस से स्टार्ट करते हैं। बोनट इसका काफ़ी हैवी है। तो ये है इसका इंजन बे। टोयोटा इनोवा जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन थी वो पावर्ड थी एक 2.5 लीटर D4D डीजल इंजन से। एक 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन था जो इतना बिल्कुल बहुत रेयरली कोई गाड़ी बिकी थी, वो तो टोयोटा ऑन ऑर्डर ही मंगाती थी। पर ये इंजन ही था जिसने इस कार को पावर किया है शुरू से ही। और जो अभी करंटली जो क्रिस्टा जो आ रही है उसमें ये इंजन अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसमें एक 2.4 लीटर और एक 2.8 लीटर इंजन देना स्टार्ट कर दिया है, जो 2.8 लीटर इंजन वही जो फॉर्च्यूनर को भी पावर करती है। तो अब इस तरीके से देख सकते हैं इंजन। यहाँ थोड़ी इंसुलेशन दी गई है साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इंजन थोड़ा नॉइजी है इसका, बाकी सब सही है। और अगर टॉक और BHP के इस इंजन की बात की जाए तो 100 हॉर्स पावर का ये इंजन है और 200 NM का टॉक निकाल देता है। काफ़ी लो RPM पे, 1500 RPM के आसपास पर ही ये अपना मैक्सिमम टॉक को निकाल देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक MPV के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि टॉक एकदम रेडीली अवेलेबल है एकदम लो RPM पे भी। बंद कर देते हैं इंजन बे को। टोयोटा इनोवा ने MPV सेगमेंट को जब से लॉन्च हुई है तब से डोमिनेट करके रखा हुआ है। इस कार में, इस सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो कभी भी इसकी सेल्स को मैच कर ही नहीं पाई, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रिलायबल थी और इतनी ज़्यादा प्रेफर्ड इसी को किया जाता था हर किसी से, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी ये गाड़ी। रिलायबल बहुत ज़्यादा है ये कार, रिलायबिलिटी के नाम पे ही ज़्यादा बिकी है ये। और कंफर्ट भी है, पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं, ज़्यादा महंगी सर्विस नहीं है, ज़्यादा महंगे पार्ट्स नहीं हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा फेमस थी। अब बात करेंगे थोड़े बहुत इसके कॉस्मेटिक जो अपडेट्स किए गए थे सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रिल्स वगैरह थोड़ी इस कार की चेंज कर दी गई थी, पहले ऐसी ग्रिल्स इस कार की नहीं आती थी। और हेडलाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था, फॉग लैम्प्स का हाउसिंग चेंज कर दी, बम्पर चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत बोनट का डिज़ाइन चेंज कर दिया, कॉस्मेटिक अपडेट किए थे। इंजन वाइज और मैकेनिकल्स में कोई भी चेंज नहीं था, जो पिछली जनरेशन थी और इस जनरेशन में कोई फ़र्क नहीं था। इधर आप देख सकते हैं नॉर्मल रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स मिलती थी, इधर फॉग लैम्प्स, ग्रिल, टोयोटा इनोवा एक बेसिकली जो एक लैडर फ्रेम चासी होती है या बॉडी ऑन फ्रेम चासी है उस पर बनाई गई है। इस तरीके से कुछ है इस कार की साइड प्रोफाइल, देख सकते हैं आप। लेंथ में काफ़ी है ये कार, बड़ी विंडोज़ हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है,
अगर व्हील्स की बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है इसमें एक आफ्टर मार्केट व्हील इंस्टॉल्ड है। ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ नहीं था इस कार का। जो स्टैंडर्ड इस कार में टायर आता था उसका जो साइज़ होता था वो था 195/60R15 और इस कार में जो व्हील्स इंस्टॉल्ड हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं वो हैं 205/65R16। तो ये एक साइज़ अप कर रखा है व्हील और विड्थ भी बढ़ रखी है और हाइट भी बढ़ा रखी है। इससे थोड़ा कंफर्ट भी बढ़ा है और साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस में भी फ़र्क पड़ा है। रिफ्लेक्टर्स आपको इधर मिलेंगे, साइड इंडिकेटर वाले जो होते हैं, एक क्वार्टर ग्लास है कट करके देखने के लिए, बिग साइज़ आपको रेव्यू मिरर्स मिलते हैं। टॉप मॉडल में यहाँ पे इंडिकेटर्स आते हैं, उधर नहीं आते। हैंडल्स बॉडी कलर्ड, बिग विंडोज़ इस तरीके से है, कुछ रियर प्रोफाइल। 7-seater and 8-seater की ऑप्शंस में ये कार आती थी। 7-seater में पीछे दो कैप्टन सीट्स मिलती थी और 8-seater में पूरी बेंच सीट मिलती है। और करंटली जो इनोवा क्रिस्टा आती है उसमें भी यही दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो ऐसी थी कुछ इसकी रियर प्रोफाइल है कार की। रियर में आपको रियर वाइपर मिलेगा, रियर डीफॉग मिलेगा और साथ ही साथ वॉशर भी आपको प्रोवाइडेड था। ये कार क्योंकि एक मॉडल नीचे थी, ये जी वेरिएंट है, आप यहाँ देख सकते हैं 2.5G, तो इसमें कैमरा और सेंसर्स नहीं आते थे। सेंसर तो टॉप मॉडल में भी प्रोवाइडेड नहीं था, सिर्फ पर कैमरा आता था, पर इसमें आफ्टर मार्केट कैमरा इंस्टॉल्ड है। इधर फ्यूल टैंक की ओपनिंग इस साइड है, 55 लीटर का फ्यूल टैंक है, डीजल है इसका। तो जो फ्यूल इकोनॉमी ये कार देती है वो लगभग 13-14 सिटी में दे देती है, और अगर आप बहुत इजीली हाईवे पर चला रहे हैं तो मतलब ज़्यादा स्कोर को पुश नहीं कर रहे तो 15-15.5 के आसपास ही दे देगी, उससे ना ज़्यादा देगी ना उससे कम देगी। चलिए बूट चेक करते हैं इस कार का। तो यहाँ पे अगर आपकी सारी सीट्स ओपन है तो आपको 300 लीटर्स की बूट स्पेस इधर मिलेगी पीछे की साइड। आप चाहे तो इस सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, ये सीट इजीली फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे एक अगर आप लीवर करेंगे तो ये सीट ऐसे आगे टंबल हो जाएगी और यहाँ से एक लीवर खींचने पे ये सीट ऐसे पूरी ऊपर यहाँ पे फोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे आप ऐसे कार्गो स्पेस बढ़ा सकते हैं और सेकेंड रो जो है वो भी टंबल होके आगे फोल्ड हो जाएगी। मैं इस सीट को खोल देता हूँ। तो स्पेस वाइज काफ़ी कंफर्टेबल है, लगेज भी आप कैरी कर सकते हैं साथ के साथ, पीपल भी आराम से बैठ सकते हैं, लोग काफ़ी इजीली यहाँ बैठ सकते हैं। इधर नीचे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, स्पेयर व्हील कार का नीचे में आपको मिलेगा, ये रहा स्पेयर व्हील इसका नीचे रहता है। इस साइड आपको टूल किट मिलेगी, ये आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम का वूफर है। बंद कर देते हैं बूट को। चलिए लास्ट रो में चलते हैं। डोर्स को अगर चेक करें तो डोर्स काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी खुले डोर्स हैं और काफ़ी बड़ा इंग्रेस एग्रेस काफ़ी इजी है कार का, ज़्यादा क्लाइम नहीं करना पड़ेगा आपको केबिन में घुसने के लिए। लास्ट रो में जाने के लिए, ये 8-seater वेरिएंट है, अगर आपको लास्ट रो में जाना है, 7-seater में तो बीच में यहाँ पैसेज होगा आपको पीछे जाने के लिए, पर अगर आपको 8-seater में जाना है तो यहाँ से आपको एक लीवर, पहले ये वाला लीवर को करें, फिर नीचे एक इधर ब्लैक कलर का ये लीवर है, तो इससे सीट आगे से टंबल हो जाएगी। अब आप इजीली अंदर बैठ सकते हैं। ये सीट्स हैं लगभग पीछे, हेडरेस्ट दोनों एडजस्टेबल हैं, सीट बेल्ट्स मिलेंगी आपको दोनों साइड। मैं सीट को वापस खोल देता हूँ। देखिए मेरी हाइट जो है वो 6'2.5 है, तो फिर भी मैं अगर बैठूँ यहाँ तो मेरी नीज़ लगभग टच ही हो रही हैं आगे, तो कंफर्टेबल तो उस सेंस में ये ज़्यादा है नहीं। और अगर अपन बात करें और यहाँ जो फीचर्स हैं मेरे पास यहाँ पे अपना एक एसी है, इस कार में ड्यूल एसी आता है, एक एसी सेपरेटली आगे है एक पीछे है। ये नॉर्मल ब्लोअर नहीं है जो आगे की हवा आपको पीछे करे, ये प्रॉपर एसी के वर्क करता है। और यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे दोनों साइड, विंडोज़ ओपन नहीं होती पर बड़ी साइज़ की विंडोज़ हैं, कप होल्डर्स हैं इधर दोनों साइड पे, और जो हेडरेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है दोनों साइड का, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है।
अंडर थाई सपोर्ट के लिए थोड़ी कार लैक करेगी, पर अगर वो तो मेरी हाइट के हिसाब से भी मैं अगर कंसिडर करूँ तो, पर अगर कोई 6 फीट तक भी है तो वो बैठ सकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो बैठ नहीं सकता, स्पेस है इधर, ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है नहीं। चलिए चलते हैं सेकेंड रो सीट्स में। अगर मेरे को वापस यहाँ से निकलना है तो उसी लीवर को ऐसा करके नीचे से मैं दबा रहा इसको करूँगा तो ये आगे टम्बल हो जाएंगी सीट्स। जो लास्ट रो सीट्स हैं उनके अगर आप लीवर को यहाँ पुल करें तो अपन सीट्स का रिक्लाइन एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए हिसाब से। तो इस टाइप से हैं कुछ सेकेंड रो सीट्स, आप देख सकते हैं बेंच सीट है ये, नॉर्मल कैप्टन सीट्स नहीं है। डो की बात करें तो डो काफ़ी बड़ा है, मैंने आपको पहले बताया। इधर मिलेगा ग्रैब हैंडल, पावर विंडो स्विच, लॉक अनलॉक डो का हैंडल, बिग साइज़ आपको मिलेगा, प्रॉपर 1 लीटर की बॉटल आ सकती है इसमें, बड़े मैप पॉकेट्स हैं, स्पीकर्स मिलेंगे। ये ट्विटर स्टैंडर्ड नहीं है, ये आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम का पार्ट है। चलिए बैठते हैं सीट पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी हाइट मैंने आपको पहले बताई, पर यहाँ पे मेरे काफ़ी स्पेस है मेरे लिए, आप देख सकते हैं मैं पूरा स्ट्रेच करके बैठा हूँ, और हेडरूम भी बहुत ज़्यादा है। एसी के वेंट्स हैं, इधर ग्रैब हैंडल मिलेगा, ईजिली आर्मरेस्ट है इधर आपको रखने के लिए। नीचे की साइड आपको इधर कप होल्डर्स मिलेंगे, डोर्स पे भी हैं और इधर सेंटर में भी मिलेंगे। ये रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स हैं, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई हैं। इधर आपको मैगजीन होल्डर्स मिलेंगे। तो अगर विड्थ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी स्पेस है इधर, और साथ के साथ आप ये जो सेकेंड रो सीट्स हैं इनको आप मूव भी कर सकते हैं आगे या पीछे, देखिए आगे या पीछे, ये इस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको पीछे ज़्यादा स्पेस देनी है किसी को। और साथ के साथ आप यहाँ से रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हैं सीट्स का, ये देखिए ये नॉर्मल रिक्लाइन जैसे भी चेंज हो जाएंगी। सीट बेल्ट्स भी मिलेंगी तीनों पैसेंजर्स के लिए। तो ओवरऑल अगर सेकेंड जो सेकेंड रो सीट्स हैं उनकी स्पेस की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्पेस है, काफ़ी मोर देन इनफ स्पेस दी गई है, आप बहुत इजीली बैठ सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी लंबी राइड्स पे अगर आपको जाना है तो काफ़ी हेल्प करेगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती इस व्हीकल में। इस तरीके से है कुछ डैशबोर्ड का लुक, सिंपल डैशबोर्ड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अब चलते हैं आगे ड्राइवर सीट पर। तो ये है ड्राइवर साइड, स्कफ प्लेट्स आफ्टर मार्केट है, स्कफ प्लेट्स लगी हैं, ये कम डिफरेंस है। द डोर की बात करें तो सेम बड़ा डोर है, बहुत बड़ी विंडो है, आपको इजीली आउटसाइड रेव मेरर्स बहुत बड़े हैं। इधर बात की जाएगा फंक्शंस की, लॉक अनलॉक करने के लिए या डोर को हैंडल खोलने के लिए, ये सारे चारों डोर्स को लॉक या अनलॉक करने के लिए, पावर विंडोज़ ऑन ऑफ, चारों पावर विंडोज़, सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं मिलती। बड़ी साइज़ सेम मैप पॉकेट्स, इधर आपको बॉटल होल्डर मिलेगा, इधर डो को पकड़ने के लिए हैंडल। सीट की बात की जाए, सीट एडजस्टेबल है रिक्लाइन एंगल के लिए, आगे पीछे सीट को खा सकते हैं, और हाइट एडजस्टेबल भी है ड्राइवर सीट। इधर मिलेगा गियर लॉक, ये भी एक कंपनी फिटेड पार्ट नहीं है, ये एज एन एक्सेसरी आपको मिलेगा। इधर बात की जाए तो आउटसाइड रिवर मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए स्विच हैं, हेडलाइट लेवलर है, एंड सिक्योरिटी सिस्टम की लाइट है। बैठते हैं व्हीकल में। कुछ इस टाइप से है स्टेयरिंग व्हील, काफ़ी अच्छा बड़ा स्टेयरिंग व्हील है ये, मैंने आपको जैसे बताया ये टॉप वेरिएंट नहीं है, टॉप वेरिएंट अगर होता तो यहाँ पे कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता, और स्टेयरिंग पे भी माउंटेड बटन्स आते हैं इस साइड, जो कि इस वेरिएंट में नहीं है, बाकी सब तो स्टैंडर्ड है। आप एयरबैग मिलेगा ड्राइवर साइड, को पैसेंजर साइड नहीं है एयरबैग इस व्हीकल में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात की जाए तो इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा टैकोमीटर, बीच में मिलेगा स्पीडोमीटर, ये है फ्यूल गेज मिलेगा, और इधर आपको मिलेगा टेम्परेचर मीटर, और दो ट्रिप हैं और ओडोमीटर है बीच में। तो बाकी बात की जाए अगर व्हीकल की तो म्यूजिक सिस्टम के लिए इधर जगह है, एक आपको इधर क्लॉक मिलेगी, नीचे म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पेस दी गई है जिसमें यहाँ पे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है। ये सारे एसी के कंट्रोल्स, हैजर्ड लाइट स्विच, एसी के ब्लोअर्स हैं। इधर एश ट्रे मिलेगी आपको, नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये रेयर डिफॉगर है रेयर स्क्रीन के लिए, और इधर मिलेगा आपको एक सिगरेट लाइटर।
5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स है इस व्हीकल में। इधर मिलेगी हैंड ब्रेक, कुछ स्पेस है, एक बड़ा साइज का आर्मरेस्ट है इधर, अंदर काफ़ी स्पेस है इसके, काफ़ी सामान रख सकते हो आप इसके अंदर। जो सीट्स हैं, जो फ्रंट सीट्स हैं कार की, वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छा इनकी कुशनिंग है सीट्स की। सीट्स बहुत अच्छी हैं इस कार की, शायद वही एक मेन रीज़न है कि इस कार को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, क्योंकि सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कितना हेडरूम आपके लिए है यहाँ पे, कितनी बड़ी विंडोज़ हैं, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आपको नहीं आती इस कार में कभी बैठने से। ग्लव बॉक्स मिलेगा इधर, ग्लव बॉक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है पर ठीक है। इधर आपको मैनुअली डिमिंग रेयर व्यू मिरर मिलेगा, ये सेंसर्स का डिस्प्ले है, ये आफ्टर मार्केट है। इधर आपको मिलेगा एक सनग्लास होल्डर, लाइट्स मिलेंगी और इस साइड भी एक लाइट है। और ये है रेयर एसी को ऑन ऑफ करने के लिए, या उनका ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। इस साइड आपको टोल रिसीट होल्डर मिलेगा और कुछ वार्निंग्स। इधर भी आपको कुछ नहीं मिलता, ये जो ग्लास आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। इधर की बात की जाए तो ये मिलेंगे आपको वाइपर कंट्रोल्स इस साइड, ये रेयर वाइपर को कंट्रोल करने के लिए, और ये फ्रंट के। अगर स्प्रे की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा स्प्रे है, अच्छे से विंडस्क्रीन क्लीन हो जाती है। इस साइड की बात की जाए तो इधर मिलेंगे हेडलाइट कंट्रोल्स, सिंपल हेडलाइट कंट्रोल्स हैं। स्टैंडर्ड म्यूजिक सिस्टम में ऐसा नहीं आता इसका, इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए म्यूजिक सिस्टम में, जो कि कभी मैं एक फ्यूचर वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो बेसिकली सारा मैंने इस अभी तो कवर कर दिया इंटीरियर इसके बारे में, और अब चलिए कार को करते हैं ड्राइव। अब इस कार को मैं आपको ड्राइव करके बेसिकली बताऊंगा कि किस तरीके की है, क्या ड्राइविंग फील है इस कार की। तो बेसिकली 5 स्पीड गेयरबॉक्स है, तो अपन करते हैं इसको ड्राइव। इस बेसिकली जो 2.5 लीटर का जो उसका इंजन है, उसकी टॉर्क काफ़ी अच्छा है इंजन का। तो मतलब कि बेसिकली इनिशियली एकदम से ये उठ जाता है इंजन, जैसे अगर आप स्पीड ब्रेकर पे भी हैं तो आप सेकंड गियर में इसको इजीली उठा लेंगे, एसी चाहे चल रहा है चाहे कितने भी लोग बैठे हैं। तो टॉक वाइज ये इंजन काफ़ी पावरफुल है, और अगर वैसे अपन बात करें हाई स्पीड वगैरह की, तो अच्छी खासी स्पीड्स कर लेता है, कंफर्टेबल स्पीड्स, 120-130 की स्पीड्स ईजिली मेंटेन कर लेती है गाड़ी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कितने ही लोग बैठे हो। और अगर आप इसको पुश करेंगे तो 160-170 तक ये चला जाता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ये कार नहीं जाएगी। तो गेयर्स अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं, गेयर्स का थ्रो भी अच्छा है, लीवर भी ज़्यादा इतना नहीं है, मतलब काफ़ी लंबा ट्रैवल नहीं है, बेसिक सा ट्रैवल है लीवर का। और ओवरऑल फील काफ़ी अच्छी है, स्टेयरिंग इसका काफ़ी हैवी है कार का, जो कि सिटी में थोड़ी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, सिटी में आप थोड़ा ऐसे दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि हैवी है काफ़ी इसका स्टेयरिंग। पर अगर आप हाईवे में इस कार को चला रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर बात की जाए सस्पेंशन की, तो वो तो काफ़ी ही अच्छा है इस कार का, आपको मतलब इजीली आप घड़ों के ऊपर इसको लेके जाओगे, पॉट होल्स को आप क्रॉस कराओगे इस व्हीकल से, तो आपको बिल्कुल भी फील ही नहीं होगा कि आप इस टाइप के पॉट होल्स से आप निकल रहे हो, ना कोई सस्पेंशन नॉइज़ है ना कुछ। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड सस्पेंशन है इस कार का, एंड जो ड्राइविंग इसका है, जो ड्राइविंग एक्सल है, वो बेसिकली रेयर व्हील्स पावर्ड है ये व्हीकल, इंजन आगे है और रेयर व्हील ड्रिवन है बेसिकली ये कार। तो अगर आप पीछे लोग बिठा के रखते हो, ज़्यादा आपका ज़्यादा लोड ले जा रहे हो, तो वो उसमें उस केस में हेल्प करता है, बजाय कि जैसे जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ, अगर आप जैसे कंपेयर करो, मान लो अगर आप स्कॉर्पियो से कंपेयर करो या स्पेशली एक्सयूवी से कंपेयर करो, तो वो एक फ्रंट व्हील मोनोकोक चैसी की बिल्ड कार है, और वेराज ये जो है प्रॉपर बॉडी फ्रेम व्हीकल है, तो उसका फ़ायदा होता है। और बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल अगर आपकी चैसी होती है गाड़ी की, बेसिकली आपका जो फ्रेम है गाड़ी का और बॉडी ऑन फ्रेम है, तो उसका एक ड्रॉबैक ये ज़रूर होता है कि थोड़ा कॉर्नर करते हुए आपको बॉडी रोल आपको फील होगा इस कार में, तो वो तो है भी काफ़ी, क्योंकि 2.2 टन्स के आसपास ही वे कर है इस गाड़ी का, तो उसके वजह से थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। इतनी बड़ी गाड़ी को अगर आप कॉर्नर करोगे एक हाई स्पीड पर, तो आपको बॉडी रोल तो डेफिनेटली फील होगा, पर उसके अलावा अगर आप इसको बॉडी रोल को अगर आप इग्नोर करो, तो उसके अलावा तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। कोई फोर व्हील ड्राइव नहीं आता इस कार में, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं आता था इस कार में उस टाइम, ABS स्टैंडर्ड था, ABS है, एयरबैग्स हैं सेफ्टी वाइज के हिसाब से,
एंड उसके अलावा तो ना EBD था ना और कोई टाइप के कोई सेफ्टी सिस्टम बेसिकली बहुत कम दिए गए थे इस कार में उस टाइम। ब्रेकिंग की बात करें अगर तो अगर कंसिडर करते हैं गाड़ी का साइज़ और उसका वेट तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है व्हीकल की, काफ़ी बाइट करते हैं ब्रेक्स इसके और ABS बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं है कि मतलब हल्की सी ब्रेक लगाने पे ABS सेंसिटिव हो जाए ऐसा भी नहीं है, अच्छा खासा और ABS हेल्प भी करता है काफ़ी अच्छे कार को स्लो डाउन करने में, तो ब्रेकिंग रिलेटेड भी इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस कार के अगर एक दो नेगेटिव चीज़ों की बात की जाए ये कि सेंटर में थोड़ा सा स्टेयरिंग व्हील काफ़ी लाइट लगता है, मतलब जैसे देखो मैं स्टेयरिंग व्हील को कर रहा हूँ तो अभी कोई मूवमेंट हो नहीं रही है बेसिकली, तो स्टेयरिंग व्हील में थोड़ा बीच में से थोड़ा सा डेड है स्टेयरिंग, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, काफ़ी अच्छा है। और एक जो चीज़ और फील हो सकती है आपको ये है कि इसमें कार में एक सिक्स्थ गियर की थोड़ी ज़रूरत लगती है क्योंकि इंजन ऐसा लगता है कि इंजन को रिक्वायरमेंट है एक सिक्स्थ गियर की जो कि कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड नहीं है इस व्हीकल में, वो ज़रूर है कि इन्हें जो क्रिस्टा इनोवा क्रिस्टा आई है उसमें इन्हें ये वाली प्रॉब्लम इनकी फिक्स कर दी है। और कुछ इतना कुछ कंप्लेन करने के लिए है नहीं, और जो मेन जो रीज़न है जिसकी वजह से ये इतनी गाड़ी बिकती थी और अभी भी सेकेंड हैंड मार्केट में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है और टैक्सीज वगैरह में इतनी यूज़ होती है, वो ये है क्योंकि ये एक हद से ज़्यादा रिलायबल व्हीकल है। ये कार मैंने देखी हुई है, मैं ऐसी कार्स में बैठा हूँ जो 5-5, 6-6 लाख, 7-7 लाख किलोमीटर गाड़ियाँ चली हुई हैं सेम यही, और उनका कुछ भी उन कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप टाइम टू टाइम इसकी सर्विस कराओ, जो इसके कंपनी रिकमेंडेड जो भी चीज़ें हैं जो पार्ट्स चेंज होने हैं आप टाइम टू टाइम उनको चेंज कराएं, आपको ये गाड़ी कभी नहीं प्रॉब्लम देगी, ना कोई फालतू सस्पेंशन का की कॉस्ट आएगी ना आपका फालतू कभी इंजन की कोई कॉस्ट आएगी, इतनी रिलायबल है ये व्हीकल, इसमें आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ। और एक बात ये ज़रूर है क्योंकि इंजन जो इसका है उसकी थोड़ी नॉइज़ी इंजन है थोड़ा ज़्यादा, आप इसको रेव करोगे तो थोड़ी नॉइज़ ज़रूर ये करता है जो कि किसी के लिए थोड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, पर अगर इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है और कंसिडरिंग कि वो बहुत रिलायबल है तो एक ये थोड़ा सा पॉइंट है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, अदरवाइज ये काफ़ी एक अच्छा बैलेंस्ड एक गाड़ी है, एयर कंडीशनिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है, मतलब कभी आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और वही एक रीज़न था जिससे ये इतनी सक्सेसफुल बन रखी थी ये गाड़ी। So I hope you like this video and if you did do subscribe to the channel, do like and share this video and काफ़ी लोगों की मेरे पास comments आए थे पुरानी videos में भी कि आप जो नई वाली videos बना रहे हो सिर्फ English में क्यों बना रहे हो, हिंदी में videos ज़्यादा अच्छी लगती हैं, so इसलिए मैं हिंदी and English both में बनाने की कोशिश किया करूँगा आपकी videos, and कोई भी कमी रही इस video में जो आपको लगा कि इस तरीके से और अच्छी तरीके से बताया जा सकता था या किसी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। एंड जो मॉडिफिकेशंस इस कार में किए हैं, इस कार में काफ़ी एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जो एलॉय व्हील्स लगाए हैं या लाइट लगाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा, पर इन फ्यूचर वीडियो में आपको उसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ। So thanks a lot for watching this video and I'll see you in the next one. Bye.